अबे कपड़े टांगने वाली रस्सी पकड़ लाइए। देखिए कितना है। टार्ज़ेन, इतना डरा रही है, मेरे को सीधा मार ही देना। डरा तो मत, मेरे को मेरी जान निकल जानी है यार। डॉक्टर साहब, एक मिनट, एक मिनट। डॉक्टर साहब संतोष, ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप? हम यहाँ पे ना कीर्तन कर रहे हैं, प्रसाद ले लो, तुम ले लो। देखने ला, ये मेरा मर्डर करने की कोशिश कर रही है। रितेश देशमुख उधर बैठे हैं, देख 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 देख। और रितेश देशमुख बैठे हैं उधर, देख। नमस्कार रितेश देशमुख जी। नरगिस फकरी जी नमस्ते। हम देखे नहीं आपको, पता नहीं था आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन सचमुच में रितेश देशमुख, आपका मुख इस देश में सबसे रॉकिंग है। और तेरा मुंह सबसे ज्यादा थूकिंग है, तेरे मुंह पे जितना मर्जी थूक लो। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट, लेट मी इंट्रोड्यूस। आइए बैठिए, बैठ जाइए। I'm Dr. Mishur Gulati. Yes, doctor. Hi, nice meeting you. Dr. Mishur Gulati, BMC. BMC? BMC मतलब? BMC मतलब Bachelor of Medical Science. Oh. Science तो ऐसे होता है. देखो, देखो, कौन आदमी BMC के spelling बता रहा है मेरे को? ठीक है, आप क्या कीजिए, आप इनसे बातें मत कीजिए, आज इनसे हम बात करेंगे, वो भी अपने हाथ से और लात से। संतोष, तूने मार क्यों रही है? संतोष क्यों मार रही है? अरे हम बता रहे हैं, बता रहे हैं, देखिए हम अपना वजन कम कराना, हम रितेश जी बता रहे हैं, क्या हम अपना वजन कम कराने इनके पास गए। okay. ये क्या करते हैं सोचिए, ये वैक्यूम क्लीनर लेके हमारे मुंह पर इसे चिपका दिए। अरे बड़ी मुश्किल से वैक्यूम क्लीनर को अपने से यूं अलग किए हैं, वरना अंदर से लंग किडनी सब कुछ ऐसा सक करके हमारा सब बाहर निकलने वाला है। दिस इज अ मेडिकल प्रोसीजर। जैसे क्या होता है, ये मेरे पास आई सिद्धि साहब, मेरे को कहती मेरे को 2 मिनट में 35 किलो वजन लूज करना है। तो मैंने कहा दो तरीके, या तो लिपोसक्शन करा लो या फिर अपनी दाई जांघ कटवा लो। तो ये कहते हैं मुझे लिपोसक्शन कराने, मैंने वैक्यूम क्लीनर लिया, इसके मुंह पे लगा के ऐसे सक्शन कर दिया सारा लिप का, तो लिपोसक्शन हो गया। और दिस इज मेडिकल साइंस, आई वाज जस्ट फॉलोइंग द प्रोसीजर। देखिए आपसे तो मैं बाद में निपटूंगी, हटिए। खबरदार, अगर हमको महंगाई कहे तो। तुझे पागल, महंगाई कहाँ कह रहे हैं, तुझे तो हम दान कह रहे हैं, तुझे पता नहीं चल रहा है। हाँ नहीं हूँ, इधर देख, सोनू निगम बैठे हैं, अनु मलिक जी बैठे हुए हैं, सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर, देख के कुछ शेर सुना दीजिए अनु मलिक जी। शेर हुस्न में बोला जाता है, हुस्न पे। हाँ, तुम लोग महिलाओं, महिला बनने के 500 साल पीछे हो तुम लोग। सोनी टीवी वाला सब मेहमान बैठा हुआ है। अरे सोनी टीवी वाला सब यहाँ है तो आज सोनी चैनल पे क्या आ रहा है? क्राइम हो रहा होगा, क्योंकि सीआईडी वाला तो सब इधर ही बैठा है ना। एसीपी प्रद्युमन जी नमस्ते, जरा हमारे घर पे आइए ना, हमारा किचन में आइएगा, डब्बा में जंग लग गया है, खोल दीजिए ऐसा ऐसा करके, आज आइए। लीजिए, क्राइम पेट्रोल का अनूप सोनी भी यहीं बैठा है। वैसे सच पूछे तो अनूप सोनी जी, आपका वजह से हमारा शादी नहीं हो रहा है। क्योंकि आपके अलावा जितना भी लड़का हम देखते हैं, देख के लगता है कि को
कोई भरोसा नहीं, शक होने लगता है कि क्राइम इसी ने किया होगा। रोमक 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 क्यों रो रही हूँ मैं? अनूप जी से तेरी बात करती हूँ। अनूप जी अच्छे घर की लड़की है ये, बहुत घर की लड़की क्या पूरा घर ही है ये। अनूप सोनी जी मान जाइएगा, देखिए मैं तुलसी तेरे आंगन की बनने के लिए तैयार खड़ी हूँ। तू ये ना बोल मैं तुलसी तेरे आंगन की, तू बोल मैं बरगद तेरे खेत का। वैसे ये देखिए आप इंडियन आइडल का जजेस आए हुए हैं, तो आपको शायद पता नहीं है ये भौजी है ना, बहुत अच्छा गाती है। हमको जो शांतिवन आइडल में, अभी आप जब से इंडियन आइडल का जज है हम शांतिवन आइडल में मास्टर है। अरे मैं थोड़ा सा लेट क्यों आ गई बोर्ड सेट करने में? आप तो मतलब यशांतिवन आइडल मैं हूँ, बस चुप रहो तुम। ये जूड़े पे क्या लिखा आपने टूलेट? जी ये एक्चुअली जुओं के लिए थी, अभी फिलहाल ही मेरा सर खाली हुआ है, सो नोबडी इज ईटिंग माय हेड, सो दैट्स व्हाई आई पुट दिस बोर्ड। हेलो अनु जी, हेलो सोनू जी, हाउ आर यू ऑल? गुड गुड जी। माय सेल्फ टीचर विद्यापति, आई एम अ वेरी गुड सिंगर, मैं अपनी आवाज छोड़ के हर किसी की आवाज में गा लेती हूँ। जी हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया। क्या हुआ? हमको लगा शांति में आइडल हमारी तो यही निकल लिया, हम तो तबाह हो गया। क्यों तबाह हो गया? जिंदगी तबाह हो गया कपूर शर्मा। वो तो उसका हुआ ना जिसके साथ आपकी शादी हुई। नहीं उसके साथ तो बन जाता हमारा जिंदगी। अच्छा ये भैंसियाइन हमारे बीच में सो जाती है, हमारे घर में है एक एचके है। क्या हॉल किचन है? भी नहीं है, बेडरूम है ही नहीं। बेडरूम है ही नहीं तो हॉल हो गया ये, तो किचन कौन है? कोई बीच में चल रहा है। बुरा हाल हो गया, पूरा ही हॉल हो गया, हाल बुरा है हमारा, खुल गया पूरा मामला। अभी क्या होता है आपको हम टेक्निकल समझा देते हैं। हाँ समझाइए। इधर संतोष के भाई सोते हैं, इधर हम सोते हैं, बीच में ये सो जाती है, हमारा फैमिली नहीं बढ़ रहा। नहीं बढ़ रहा। रेडियो पे गाना आता है सोनू जी का, जब बजता है ना कि सूरज हुआ मद्धम चांद चलने लगा, हमारे दिल में रोमांस उठ जाता है, उठ जाता है, हम कुछ कर नहीं सकते। ओ इतने भैंसियाइन होती है। अरे रे रे। आपको यकीन नहीं, हम बताते हैं सोनू जी जब आपका गाना बजता है, देखिए ये सो के शुरू में ही रख दिया था ऐसा बेड पे हम सोते हैं। इतनी अच्छी चादर है तुम्हारे पास? हमारी नहीं है, तुम्हारे घर की है। तो सोनू जी इधर आइए एक मिनट। सोनू जी मान लीजिए आप संतोष के भैया हैं, आप इधर सोए हैं, आइए इधर आइए, इधर लेट जाइए, रात का टाइम है, मैं बता रही हूँ, लेट जाइए सोनू जी, हम अब समझा नहीं पाएंगे अनु जी को, वरना तो तकिया इधर है ठीक है, आप ऐसे लेटे हैं आराम से। इस ये भी नौबत आ गई है, आप ऐसे आराम से लेटे हैं, नाइट का टाइम है, ऐसा लेट गया। ए भैंसिया इधर अपनी जगह पे। तो हम तो बीच में सोते हैं, इसमें क्या करके आ जाती है बीच, अभी हमारा सोने का वक्त हुआ है। शांतिवन आइडल गा गाना जरा, अभी हम सो रहा है, रात का 11:30 बज गया, कपिल शर्मा सो खत्म, खाना खाया सो गया। अरे क्या हुआ? इस तो सुबह हो गया है। ऐ भौजी उठ जाइए, सुबह हो गया है। सुबह हो गया? हाँ हो गया। सुबह हो गया तो उठ बाथरूम में। अरे हमारा जिंदगी खराब मार रहा है। जिंदगी खराब कर दिया। हमने क्या किया है? हमारा जिंदगी खराब कर दिया। उठ जाइए। तुम लोगों ने मेरा गाना खराब कर दिया। मेरा घर दिया। क्या तरीका हुआ? तुमने मेरा गाना खराब कर दिया। मैं छोटा सा करके उठ जाइए। क्या जरूरत थी? सब हाथ उठा के चला जाता है।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.